मित्रों नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम आदित्य मिशन में प्रयुक्त एक शब्द L1 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही हम यह बताएंगे कि भारतीय पौराणिक कथाओं का इससे क्या अंतर संबंध है, अर्थात विज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड हैं या किस तथ्य का संकेत देती हैं। आप जानते हैं कि आदित्य मिशन भारत में इसरो का एक महत्वाकांक्षी उपक्रम है। मित्रों आदित्य मिशन में एक वेधशाला L1 पॉइंट पर स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला में लगे संयंत्र सूक्ष्म रूप से उन गतिविधियों का अध्ययन करेंगे जो सूर्य के भीतर और उसके कोरोना के आसपास घटित होती हैं। इसरो ने L1 पॉइंट क्यों चुना, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं त्रिशंकु की कहानी। त्रेता युग में राजा प्रभु के पुत्र सत्यव्रत, जो भगवान राम के पूर्वज थे, वृद्ध हो गए और उन्होंने अपना राज अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया। उनके मन में एक इच्छा थी कि वे शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करें। मान्यता यह है कि कोई भी सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। इस हेतु उन्होंने गुरु वशिष्ठ से याचना की। गुरु वशिष्ठ, जो उनके कुल गुरु भी थे, उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने के लिए हतोत्साहित किया और यज्ञ करने अनुष्ठान करने में असमर्थता व्यक्त की। तब राजा सत्यव्रत ने ऋषि वशिष्ठ के पुत्र को धन धान्य देने तथा और अधिक प्रशंसनीय बनाने का लालच दिया। सत्यव्रत के इस निवेदन को ठुकराते हुए शक्ति ने भी उन्हें अपमानित किया और त्रिशंकु होने का शाप दे दिया। सत्यव्रत बेचैनी से अयोध्या से बाहर चले गए और वन में भटकने लगे, जहां उनकी मुलाकात विश्वामित्र से हुई। विश्वामित्र जी वशिष्ठ के परंपरागत प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। विश्वामित्र ने सत्यव्रत के निवेदन को स्वीकारा और उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने के लिए उत्साहित भी किया और उनके लिए अनुष्ठान साधना भी की। जब इंद्र और स्वर्ग के देवताओं को इस बात का पता चला तो वे बेहद घबरा गए और उन्होंने प्राकृतिक नियम के विरुद्ध ऐसा करने से रोकने के लिए कई प्रकार की बाधाएं खड़ी की। अंततः जब स्वर्ग के द्वार पर सत्यव्रत पहुँचे तो देवताओं ने उन्हें धक्का मारकर जमीन पर फेंक दिया। विश्वामित्र ने अपनी साधना से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक स्वर्ग का निर्माण किया और त्रिशंकु को उसी स्वर्ग में रहने का आदेश दिया। फिर विश्वामित्र इस प्रयास में लग गए कि उन्हें नए स्वर्ग का इंद्र घोषित कर दिया जाए। इसके लिए वे तपस्या और साधना करने लगे। इंद्र देवता सभी भयभीत हो गए कि किस तरह से विश्वामित्र को इस प्रयास से रोका जाए, क्योंकि ना तो दो स्वर्ग हो सकते हैं और ना ही दो इंद्र। यह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध होगा। इंद्र और महर्षि विश्वामित्र के बीच एक लंबे शास्त्रार्थ और विमर्श के बाद यह तय हुआ कि त्रिशंकु अपने नए स्वर्ग में रहेंगे तथा वे इंद्र के
किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये तो थी त्रिशंकु की कथा, पर इस कथा में आपने यह जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा बिंदु होता है जहाँ पर स्थायित्व मिलता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 5 बिंदु 2 आकाशीय पिंडों के बीच खोजे हैं जहाँ पर स्थायित्व होता है। इन 5 स्थितियों का विवरण इटली के वैज्ञानिक लैंग्रेज ने अपनी शोध में प्रस्तुत किया और ये 5 स्थितियाँ उन्हीं के नाम पर चिन्हित की गईं, L1, L2, L3, L4, L5। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी इस कहानी का और वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान का क्या अंतर संबंध है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट अवश्य कीजिए। इस पॉडकास्ट चैनल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। भविष्य में अच्छे पॉडकास्ट सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।